अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पे एडवांस्ड फीचर्स को इनेबल करने के लिए आपने क्या करना है, अपने YouTube स्टूडियो को ओपन कर लेना और यहाँ से आपने सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने चैनल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने फीचर एलिजिबिलिटी में जाना है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है एडवांस्ड फीचर्स का, इसके सामने एलिजिबल के सामने एक ड्रॉप डाउन एरो बना है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपने एक्सेस सेटिंग्स पे क्लिक करना है। तो ये तीन ऑप्शंस आपके पास आएंगे कि आप वीडियो वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, अपने वैलिड आईडी से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं या फिर चैनल हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर आप वीडियो वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से आपने गेट ईमेल पर क्लिक करना है और यहाँ से बैक आके आपने अपनी जीमेल ऐप ओपन करनी है। तो यहाँ पे आपको एक मेल मिली होगी, इस मेल को ओपन करना है और यहाँ से स्टार्ट वेरिफिकेशन पे आपने क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपके सामने ये ओपन होगा। यहाँ से ऊपर आपने तीन डॉट्स पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट को आपने ऑफ कर देना है। तो इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ से आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ से चेकबॉक्स करके आपने आई एग्री पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट करना है, यहाँ से अलो कर देना है। उसके बाद आपके पास एक इंटरफेस आएगा, उसमें आपने अपना फेस बिल्कुल सामने रखना है कैमरे के और जैसे जैसे एरो आएंगे वैसे आपने अपना फेस मूव करना है। उसके बाद वो वीडियो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी। तो ये इंटरफेस आएगा उसके बाद अपलोडिंग योर वीडियो और आपकी वीडियो रिव्यू में चली जाएगी। लेकिन अगर इसके बाद आपको लगता है कि आपकी वीडियो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुई या आप अपनी वीडियो को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी वीडियो को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो सबमिट होने के बाद जब आप अपने स्टूडियो ओपन करेंगे तो ये जो थर्ड स्टेप है इसके सामने पेंडिंग आ जाएगा। जैसे ही आपकी वीडियो हो जाएगी तो थर्ड स्टेप इनेबल्ड हो जाएगा आपका चैनल।